और पागोर जिला मुख्यालय स्थित राजपाड़ा के ऐतिहासिक सिंहवानी मंदिर में इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। झारखंड ही नहीं, यहाँ पश्चिम बंगाल से भी लोग माँ सिंहवासिनी के दर्शन के पहुंच रहे हैं। माँ सिंहवासिनी मंदिर में पुरोहित से मंदिर की विशेषताओं के बारे में बात की हमारे सहयोगी जयदेव ने। इन दिनों पाकुड़ के राजापाड़ा मोहल्ले आस्था का केंद्र बना हुआ है। सिंहवाहिनी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगी हुई है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित हैं तरुण पंडित जी, हम उनसे जानेंगे इस मंदिर की क्या मान्यता है। रानी जी का द्वारा बनाया गया मंदिर 200 साल पुराना है। यह हमेशा भक्तों को तांता लग रहा था। यहाँ 10 दिन की पूजा होती है। नवरात्र के पहला दिन प्रतिपदा को कलश स्थापन किया जाता है। उसको लगातार 10 दिन चलने पर कलश प्रचार सुलश प्रचार से माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है। यहाँ लक्ष्मी जी, कार्तिक जी, गणेश जी और माँ सरस्वती जी सिर्फ इसी समय में 4 दिन के लिए आती हैं। बाकी हमारे दुर्गा जी जो अष्ट धातु की बनी हुई है हमेशा रहती है। साल भर उनका सिंहवाहिनी के रूप में पूजा होता है। जैसे दुर्गा पूजा में उनको दुर्गा देवी के रूप में पूरा परिवार के साथ पूजा किया जाता है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे दुर्गा माँ के सामने भैरवनाथ है, आखिर इसका क्या मान्यता है? राजाओं को मान्यता है कि माँ के सामने भैरव रहने से माँ अगर कभी कुपित भी हो जाए तो बाबा भैरव पर नजर पड़ने से वो शांत हो जाते हैं, जिसके कारण राजा ने ये बनाया। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि ये किनके द्वारा स्थापित किया गया था और कौन मत से यहाँ पर पूजा होती है? ये पृथ्वीराज के द्वारा स्थापित किया था। वैदिक मत से पूजा होती है, बहुत पहले यहाँ पर तांत्रिक मत से पूजा होता था जिसमें पाठा बलि किया जाता था, लेकिन 1941 में जब इसको पुनरुद्धार किया गया रानी ज्योतिर्मयी देवी ने, इसको वैदिक से पूजा की गई, जिसके कारण पाठा की जगह जिसे हम लोग बोता भी कहते हैं उसकी जगह भथुआ कुंभा का बलि दिया जाता है, जो लगभग 50 के ऊपर कुंभा का बलि किया जाता है। वह नवरात्रि के दिन से इस माँ का दरबार में आके माथा टेकते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। जयदेव कुमार, न्यूज 11, पाकुड़।